क्या अहमदाबाद की पिच में भूत है या फिर उस पिच से आग निकलती है? पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगा या नहीं आएगा ये अभी कैसे कहते हैं? ये तो पाकिस्तान की सरकार को तय करना है कि भारत भेजा जाए या न भेजा जाए। कहना है कि पाकिस्तान को तो भारत में ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए और ना ही वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है वो हमारे लिए वो वेन्यू ना सेफ है, वहाँ पे जो है वो बड़ा प्रेशर भी होगा। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर सामने आई बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत आने से किया मना, तो नहीं खेल पाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्लेस करेगी ये टीम, ऐसा बन जाएगा समीकरण। ये सारी चर्चाओं के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान सामने आता है जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, निराश करने वाला है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक सवाल पर जवाब दिया गया कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें इंडिया जाना है। उन्होंने कहा आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हम इंडिया जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, ऐसा अब तक पक्का नहीं है। भारत और पाकिस्तान का मसला किसी से छुपा नहीं है। एशिया कप की मंजूरी जैसे ही मिली वैसे ही पाकिस्तान के तेवर बदल गए। पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप को बर्बाद करने की ठान रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान खुद दो गुटों में बट गया है। पाकिस्तान बोर्ड कहता है कि वेन्यू बदलो तो पाकिस्तान के पूर्व कोच और खिलाड़ी महान जावेद मियांदाद ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भारत में जाकर खेलने से इनकार करने तक कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भारत को वर्ल्ड कप में हराना चाहते हैं। यानी साफ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि क्रिकेट की भी समझ नहीं रख पा रहा। पहले आपको सुनाते हैं कि जावेद मियांदाद ने कैसे भारत के खिलाफ जहर उगला। मियांदाद ने कहा कि हाँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भारत जाने से मना कर दूं। जब तक इंडिया हमारे पास नहीं आता है, इंडिया का टर्न है यहाँ आने के लिए। इंडिया को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आना चाहिए, हम खेलकर वहाँ आए हुए हैं। पहले यही होता था, एक साल वो आए एक साल हम जाएं, लेकिन जिस तरह से उनका बर्ताव है, हाँ खेल एक ऐसी चीज है जो दो देशों को मिलाती है, इससे आपके रिश्ते बनते हैं। तो मेरा तो एकदम साफ कहना है कि जब तक इंडिया हमारे पास आकर नहीं खेलता, हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है वहाँ जाकर खेलने की। हम उनसे बेहतर हैं, हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ भाड़ में जाओ इंडिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने में काफी हैं। वह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्लियरेंस मिलने को तैयार है, जहां पर एक तरफ से फैंस लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा। तो नजम सेठी साहब के इसको लेकर बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली नजम सेठी साहब ने आज क्या कुछ कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको हम जल्दी से जल्दी जरूर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो शायद इस समय आप सभी इंडियन क्रिकेट फैंस और क्रिकेट के फैंस जानना चाहते होंगे वर्ल्ड कप को लेकर, तो उन्होंने अभी मतलब जस्ट अभी 15 मिनट पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा। नजम सेठी साहब कह रहे हैं वी विल टेक परमिशंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्ले मैचेस इन अहमदाबाद, वी चेंज द वेन्यू फ्रॉम धर्मशाला टू कोलकाता इन 2016, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट एंड आर सिक्योरिटी कंसेंट्रेशन। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने यह बात कही है कि अभी भी जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि अहमदाबाद में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और इधर एक ड्राफ्ट स्केड्यूल इतने दिनों से मीडिया के अंदर जो है वो आ रहा है, जो मीडिया को भी ड्राफ्ट स्केड्यूल प्रदान किया गया था, वहां पर भी ये लिखा हुआ था कि अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। अभी के लिए यही खबर सामने आ रही है कि अहमदाबाद को अभी भी मंजूरी नहीं मिली है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। एग्जैक्टली नजम सेठी साहब ने क्या कहा वो हम देखेंगे, लेकिन नितिन बहुत बड़ी बात इस समय यही है कि अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि नजम सेठी साहब की तरफ से और भी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये भी उन्होंने कहा है कि अभी ये भी एग्जैक्टली क्लियरेंस पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है कि कब कि उनको इंडिया जाके खेलने को अलाउड है या फिर नहीं है, क्योंकि काफी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स है वो यही बात कह रहे हैं अभी भी कि भाई हाइब्रिड मॉडल के अंदर इंडिया थोड़ी पाकिस्तान आ रहा है तो हम क्यों इंडिया जाए। दोस्तों क्या पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए जाएगा? लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा? बिकॉज इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा एशिया कप खेलने के लिए, तो पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की जबकि पीसीबी चेयरमैन तो उन्होंने कह दिया है कि हम भी इंडिया नहीं खेलने के लिए जाएंगे। अगर तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को मसला है सिक्योरिटी का इशू है, तो ऐसे पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर मसला है और सिक्योरिटी का इशू है। तो पाकिस्तान ने ये पहले भी कह दिया था कि हम अहमदाबाद में तो मैच बिल्कुल नहीं खेलेंगे, बिकॉज जो आईसीसी का जो ये टूर्नामेंट है ये क्योंकि कोई एशिया कप
एशिया कप जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, इसमें आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो है वर्ल्ड कप ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें आप भाग नहीं सकते हो। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।